हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे फ्रेंड, एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद कम से कम 100 लोगों ने पूछा होगा, कमेंट सेक्शन में पूछा है और व्हाट्सएप पे भी पूछा है कि सर वो NFT सिस्टम लगा रखा है तो पंप कौन सा, वाटर पंप जो है किस कैपेसिटी का इस्तेमाल करें। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे वीडियो एक बना लेते हैं, किस कैपेसिटी का पंप इस्तेमाल करना है। तो पंप का फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल होता है। वीडियो आखिरी तक देखिएगा क्योंकि बीच में बहुत काम वाली बातें बताऊंगा मैं। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने तो वीडियो में पूरा बता ही रखा है, फिर भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे दिक्कत क्या होती फ्रेंड? आपको जवाब नहीं मिल पाता उन बातों का, क्योंकि मुझे यही लगता है कि मैंने तो बता ही रखा है, फिर जवाब देने से कोई मतलब नहीं बन जाता। ठीक है, तो जो पंप कैपेसिटी होती फ्रेंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है NFT सिस्टम में। पर्टिकुलरली आप बड़ा NFT सिस्टम लगा रहे हैं, छोटा NFT सिस्टम लगा रहे हैं, सब में होती है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपका जो पंप होना चाहिए, वाटर पंप होना चाहिए जो न्यूट्रेंट की सप्लाई करता है आपके NFT चैनल में, जो NFT के पाइप लगा रखे हैं, आपने चैनल लगा रखे हैं जिनमें नेट कप की सहायता से आपने प्लांट लगा रखा है, तो क्या ज़रूरत पड़ रही है और क्या इसका महत्व है, तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहली चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड कि प्लांट जो होता है वो जो न्यूट्रेंट तो लेता ही है, जो न्यूट्रेंट सॉल्यूशन उससे चैनल से गुजारा जाता है, NFT पाइप से गुजारा जाता है, साथ में वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी लेता है। ठीक है, अब उसका क्या कैलकुलेशन होता है, कैसे होता है, वो बड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, फिर जब हम लोग मिलेंगे तब उसमें बताया जा सकता है उसको। लेकिन फिर भी मैं इतनी बातें ज़रूर बता दूंगा अभी आखिरी तक कि आप लोग आराम से कर सके। जो कमर्शियल ग्रोअर हैं उनके लिए बहुत ये ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व हो रही है जो जा रही है, तो न्यूट्रेंट को अगर कम ऑक्सीजन मिल रही है तो वो उसको नहीं ले पाता है। मोटा मोटा कैलकुलेशन बता दूँ आपको कि करीब 10 mg पर लीटर ऑक्सीजन डिसॉल्व होनी चाहिए प्लांट को अच्छी तरीके से सरवाइव करने के लिए। इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, गांठ बांध के मतलब याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको कैसे चेक किया जाता है वो सब एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, फिर मिलने पे हम लोग बताएंगे, मतलब जो ट्रेनिंग लेने आएंगे वो ज़्यादा एडवांस तरीके की चीज़ें सीख सकेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। एक प्लांट होता है जो उसको कितना पानी रिक्वायर्ड होता है, ये बहुत डिबेट का विषय रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बता दूं। वैसे अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, एक मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ इसको, एक जनरल तरीके से बता रहा हूँ। जो छोटे प्लांट होते हैं ना फ्रेंड, बहुत 4 इंच 5 इंच के 6 इंच तक, उनको करीब 1 लीटर के आसपास की वाटर की आवश्यकता होती है पर आर, एक घंटे में 1 लीटर वाटर उनके पास से गुजरना चाहिए। जो बड़े प्लांट होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो करीब 6 लीटर पर आर होती है, 6 लीटर पानी गुजरना चाहिए। ये जो 6 लीटर 1 लीटर बताया जा रहा है वो उनकी न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताया जा रहा है, और जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो उसमें घुली हुई है तो अगर इससे कम पानी गुजरेगा तो उनको वो नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो बड़े प्लांट होते हैं उनको करीब 9 लीटर के आसपास की आवश्यकता पड़ती है। अब बड़े प्लांट में इसमें हम बनाना ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ना मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं, जो हाइड्रोपोनिक्स एक्वापोनिक्स में इस्तेमाल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, टोमेटो की, इन तरीके की। टोमेटो में थोड़ा सा एक चीज़ और ख्याल रखनी पड़ती है, जो इनडिटर्मिनेट वाले टोमेटो होते हैं जिनमें बहुत लंबी बेल होती, 20-20 फुट 25-25 फुट तक पहुंच जाती है, उनमें थोड़ी सी अलग रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो बहुत एडवांस नहीं बता रहा हूँ, होता क्या है कि फिर जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल व्यूअर्स है,
वो कहते हैं पता नहीं क्या ये साइंस में उलझाए हैं हमको, है ना। तो इसलिए जनरल बात बता रहा हूँ, और वैसे कुछ है तो फिर जब हम लोग कभी मिलेंगे तो फिर उसमें मैं बता दूँगा आपको। तो फ्रेंड क्या करना है कि जो पंप आते हैं, वाटर पंप आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। एक तो उनमें हेड होता है कि साहब 8 मीटर हेड, 10 मीटर हेड, 20 मीटर हेड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, उनका फ्लो रेट दिया होता है कि 1000 लीटर पर आवर ये सप्लाई करेगा इस हेड तक, मान लो 8 मीटर तक ये इतना करेगा। जैसे जैसे हेड आप बढ़ाते, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे ना, तो फ्रेंड उसकी क्या होती है कि उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है, वो कम होने लगता है। जो मान लीजिए 1000 लीटर है, फिर 900 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसी की जो उसमें स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं उसी के अंदर की अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए 8 मीटर हेड तक वो 1000 लीटर पर आर दे रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो NFT सिस्टम लगा हुआ है उससे जो पंप की, मतलब पंप की दूरी नहीं कहूँगा, हाइट डिफरेंस, वो 8 मीटर से अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम लगा रहे हैं कोई प्लांट, तो हमको कितने उसका चाहिए। अब मान लीजिए आपने 100 लीटर का लगाया, 100 प्लांट का एक सेटअप बनाया, तो अगर छोटा है तो छोटे पंप से काम चलता रहेगा। आगे मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस पर कि बड़ा प्लांट आपके पास है तो आप उससे कैसे उसको छोटे प्लांट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े में तो कर ही सकते हैं, मीडियम में भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड क्या करना होता है कि मान लीजिए बड़े प्लांट लगे हुए, उसमें 9 लीटर की रिक्वायरमेंट है, 1000 लीटर पर आर वो दे रहा है, आप उसको 1000 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, करीब 110 के आसपास मोटा मोटा, ठीक है। तो आप 100-105 प्लांट आराम से लगा सकते हैं। थोड़ी एरर ज़रूर रखनी चाहिए 5% 10% की, तो आप 100 प्लांट लगा दीजिए, उसमें प्लांट आपके आराम से चलेंगे। दिक्कत क्या होती है फ्रेंड कि जब आप ज़्यादा फ्लो रेट का करते हैं ना, तो रूट्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उसका तो फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है, जिस रेट से वो न्यूट्रन सप्लाई कर रहा है, तो वो एक तरफ डेविएट होती हैं रूट्स बहुत प्रेशर से, तो रूट के उखड़ने का, टूटने का। दूसरी चीज़ क्या होती, प्रेशर बहुत, जो इंटरनल प्रेशर है वाटर का वो बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है तो टिश्यू डैमेज होने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए जब भी आप अपना वो सेलेक्ट करें, बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट करें, कैलकुलेशन करके करें। इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि ट्रेनिंग ज़रूर लें। आप लोग कहेंगे ये ट्रेनिंग की बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़, हर चीज़ यूट्यूब पे बताई तो जा सकती है, लेकिन आप उसको कितना ले पाते हैं, सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है फ्रेंड, तो कितना आप उसको समझ पाते हैं, तो इस पे बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है आप साइंस फील्ड के नहीं हो तो आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो। मैं किसी फील्ड को ख़राब या अच्छी नहीं मानता हूँ, हर फील्ड अच्छी होती है। जो आर्ट्स वाला है तो वो जैसी आर्टिस्टिक डिज़ाइन बना लेगा, वैसी मैं नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रेनिंग थोड़ी आवश्यक होती है। तो आप इसका बहुत ध्यान रखें कि आपको किस कैपेसिटी का पंप इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर उसके साथ क्या होता है कि टाइमर का भी इस्तेमाल होता है, कितनी देर आपको पानी देना है। इसमें भी दो तरीके के सिस्टम आते हैं। एक सिस्टम होता है कि आपने भाई 1 घंटा चलाया, 1 घंटा बंद रहने वाला कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको 10 घंटे चलाते हैं, 10 घंटे बंद कर देते हैं। दोनों में कोई कमी नहीं है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि दिन में आप चलाएं और रात में बंद, उसके पीछे कारण भी बता दे रहा हूँ। जब आप दिन में चलाते हैं ना, तो दिन में फ्रेंड क्या होता है कि थोड़ी रात की अपेक्षा गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, हीट टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, तो उस समय ऑक्सीजन डिजॉल्व होने में वाटर में बहुत दिक्कत आती है न्यूट्रन सॉल्यूशन में, और रात में थोड़ा टेम्परेचर कंपेरेटिवली दिन के कम हो जाता है,
तो इसलिए रात में आप बंद भी रखते हैं तो थोड़ा सा प्लांट को आराम से मिलता रहता है। और ना बहुत वेल इक्विप्ड है मामला, तो आप ये कर सकते हैं कि दिन में फुल टाइम चला लीजिए और रात में आप टाइमर से लगा के कि भाई 2 घंटे में एक बार चल जाए, 10 मिनट के लिए चल जाए, फिर बंद हो जाए 2 घंटे के लिए, तो ऑक्सीजनेशन उसमें होता जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बड़ा बना रहा हूँ, और जो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर वीडियो में कुछ बता रखा है तो मैं उसका फिर जवाब नहीं दे पाता हूँ। 500 के आसपास आते हैं व्हाट्सएप पे, और कमेंट में भी ऐसे ही 200-400-500 आ जाते हैं, तो मेरे लिए संभव नहीं होता। अगर मैं उनके जवाब ही देता रहूँगा सबके, कुछ के देता हूँ जो बहुत ज़रूरी होता है, और अगर सबके जवाब देने बैठ जाऊँगा तो वीडियो शायद नहीं बन पाएगा कभी भी, है ना। क्योंकि मैं लगभग डेली डाल देता हूँ, डेली नहीं डालता हूँ तो 2 दिन छोड़ के डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो एंड कर रहा हूँ, और अच्छी तरीके से प्लांटिंग करिए, और कोई दिक्कत हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।